खबर बालों से, दल्ली वाझवाड़ा नगर पालिका उपाध्यक्ष पर हमला किया गया। 4 से 5 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। उपाध्यक्ष संतोष देवांगन के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। हमला करने की वजह का खुलासा बहरहाल अब तक नहीं हो पाया है। तो बड़ी खबर बालों से बता रहे हैं, जहां पर दल्ली वाझवाड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष पर हमला किया गया। 4 से 5 लोग बताए जाते हैं हमलावर, 4 से 5 की तादाद में थे। उपाध्यक्ष संतोष देवांगन पर हमला किया गया और हमला करने की वजह का खुलासा अब तक नहीं चल पाया है। तो पालिका के मेन गेट की ये पूरी घटना बताई जाती है। बहरहाल जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, तफ्तीश में जुट चुकी है। तो उस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं इस पूरे हमले के पीछे की आखिर क्या वजह बताई जाती है, कौन ये हमलावर थे जो 4 से 5 की तादाद में पहुंचे हुए थे और उपाध्यक्ष पर हमला किया है। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जाँच में जुटी हुई है। हमला करने की वजह का खुलासा बहरहाल अब तक नहीं हो पाया है। नगर पालिका के मेन गेट की ये घटना बताई जाती है। मेन गेट के सामने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। बालोद से इस वक्त की बड़ी खबर। लक्ष्मीकांत जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। लक्ष्मीकांत, क्या स्थिति बताई जाती है उपाध्यक्ष की और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि हमले के पीछे की वजह क्या है? जी, बताना चाहूंगा, ये बालोद जिले के दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष देवांगन पर जानलेवा हमला हुआ है। वही स्थिति क्या बताई जाती है? स्थिति अभी गंभीर बनी हुई जो है। जो 4 से 5 हमलावर थे लक्ष्मीकांत, जिन्होंने हमला किया, क्या इनका कनेक्शन था दल्ली राजौरा की, ये जो उपाध्यक्ष है इनके साथ है, क्यों हमले के पीछे की वजह क्या है, पुलिस पहुंची क्या? एक बात पुलिस यह स्पष्ट कर रही है कि दल्ली राजौरा थाने में कुछ देर पूर्व हमले से कुछ दूर देर पूर्व संतोष देवांगन के ऊपर हरविंदर सिंह भाटिया नाम के युवक ने मारपीट और गाली गलौज का मामला दर्ज करवाया है ना। उसके बाद 1 घंटे बाद उन पर जानलेवा हमला होता है। चलिए, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो ऐसे भी एक और बड़ी खबर मिल रही है आपको, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, लेकिन हम खबर आपको दल्ली राजौरा से बालोद से बता ही रहे थे। एक और बड़ी खबर